हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू बैक माय न्यू वीडियो। सो गाइस, कैसे हो आई होप सभी अच्छे होगे। सो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं सैमसंग m42 परमानेंट 5G वोल्टी सेटिंग। तो गाइस, इस वीडियो में आपको कंप्लीट सेटिंग देने वाला हूं और आपके यहां पे परमानेंट 5G वोल्टी का नेटवर्क आ जाएगा। और गाइस, अगर आप किसी आप विलेज से बिलोंग करते हो तो हो सकता है आपके फोन में 5G का नेटवर्क ना आए। और गाइस, वीडियो के एंड में जो आपको एक एप्लीकेशन की मदद से आपके फोन में परमानेंट 5G का नेटवर्क आएगा, वरना गाइस आपको इस वीडियो को छोड़ के चले जाओगे तो आपका यहाँ पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ पे सबसे जो आपके फोन की सेटिंग है ना, उसमें मैं उसको आपको दिखा देता हूँ आपके फोन में कैसे तो आपकी फोन की सेटिंग आपने खराब कर रखी क्यों। तो सबसे पहले हम अपने फोन की सेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो गाइस, इस तरह का इंटरफेस यहाँ पे आ जाएगा। सेटिंग क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मिलेगा कनेक्शन का एक ऑप्शन, जैसे यहाँ पे क्लिक कर दो इस तरह का इंटरफेस गाइस यहाँ पे आ जाएगा। अब बस यहाँ पे आपके सामने एक और न्यू इंटरफेस खुल के आएगा जो लिखा होगा सिम कार्ड मैनेजर। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिम कार्ड मैनेजर पर क्लिक करना है। जैसे यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो बस यहाँ पे इस तरह का मोड आ जाएगा। अब गाइस, यहाँ पे पूरी पूरी हमें जो सेटिंग कॉलिंग वगैरह की यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया सिम वन पे। अब LTE 3G 2G, यानी कि सर मेरा फोन है जो यहाँ पे 4G है, कोई भी आपको दिक्कत नहीं लेनी है। मैं आपको जो सेटिंग है 5G करा के दे दूंगा, सेम प्रोसेस 5G का, क्योंकि मैंने ऑलरेडी फोन अपना ट्राई किया था एक बंदे से, वो अभी बंदा लेके आया नहीं। मैं उसके बाद इसकी जो सेकंड पार्ट है उसमें डाल दूंगा 5G की। हालांकि जब मैंने उसकी सेटिंग देखी तो बिल्कुल सेम थी। तो यहाँ पे आपको एक 5G का मोड दिया जाएगा, आपको यहाँ पे 5G वाले मोड पर क्लिक करना पड़ेगा। अब बोलते हो भाई, हमने 5G वाले मोड पर क्लिक करके रखा है, फिर भी हमारे फोन में 5G का नेटवर्क नहीं आ रहा। तो मगर अब किसी किसी बंदे के फोन में तो ये प्रॉब्लम होगी कि वो भाई 5G का नेटवर्क आता तो है बट ऑटोमेटिक हट जाता है। तो इसकी सेटिंग में आपको बताऊंगा वीडियो के एंड में, जो आपको तरीके बताने वाले हैं उसमें आपको 100% सोल्यूशन हो जाएगा इस। और गाइस, उससे पहले आपको यहाँ पे क्या करना है, हो सकता है आपके फोन में यहाँ पे अपडेट वगैरह आ गया हो तो अपना एक बार अपना फोन यहाँ पे अपडेट कर लेना है भाई। जैसे मैं यहाँ पे डाउनलोड स्टोर पे क्लिक करूँगा तो मेरे फोन में अगर यहाँ पे अपडेट आ गया होगा तो मुझे फोन अपना अपडेट कर लेना है, वरना गाइस आपके फोन में वैसे ही प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर नेटवर्क को अपडेट दे दिया होगा 5G वालों ने तो आपके फोन में वैसे ही प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद गाइस, यहाँ पे अपना बैकअप एंड रिसेट पर क्लिक करने के बाद, यहाँ से अपने यहाँ पर रिसेट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर रिसेट नेटवर्क सेटिंग, यानी कि अपने फोन की जो नेटवर्क सेटिंग है वो पूरी पूरी एक बार रिसेट कर लेनी है। आपके फोन में कुछ कटेगा नहीं, हालांकि आपका फोन एक बार रिसेट रिस्टार्ट भी होगा, बंद भी होगा, चालू भी होगा, तो आपको ये दिक्कत नहीं लेनी कि भाई हमारे फोन में कोई यहाँ पे डाटा वगैरह नहीं कट जाए, तो आपको वो कुछ दिक्कत नहीं लेनी है। तो बस मैंने आपसे बताया कि भाई मैं एक एप्लीकेशन की मदद से आपके फोन में परमानेंट यहाँ पे 5G सेटिंग करा दूंगा। तो बस यहाँ पे देखो 4G स्विचर, जैसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। तो आपको क्या करना है, आपका फोन 5G, तो यहाँ पे आपको करना है 5G स्विचर यहाँ पर लिखना है। 5G स्विचर लिखोगे तो आपको 5G परमानेंट ओनली लिखा आएगा, एक एप्लीकेशन है 5G स्विचर लिखा आएगा। ये दोनों चीज़ में कोई सा एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना गाइस, क्योंकि अगर मेरे पास 5G फोन होता मैं 5G वाला डाउनलोड करता, हालांकि ये बंदा 4G ये फोन है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा यहाँ गैस इस पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद गैस यहाँ पे आपका जो फोन है यहाँ पे 5G होगा तो 5G LTE दिखाएगा वो, और आपका फोन 4G तो यहाँ पे LTE दिखाएगा, LTE ओनली। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, 5G LTE ओनली पे क्लिक करना पड़ेगा, जब भी आपके फोन में परमानेंट 5G वोल्ट की सेटिंग हो जाएगी। और मेरे पास एक कमेंट भाई ये आए तो भाई ये एप्लीकेशन हमारी सेटिंग में कैसे डिटेक्ट हो जाएगा। गैस आपको क्या करना है, आपको अपनी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद गैस आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल सा जाने के बाद आपको अपने फोन में 3G कर देना अपना फोन। जैसे आप अपने फोन में 3G कर दोगे सेटिंग में जाने के जाके, तो आपको यहाँ पे इस एप्लीकेशन में आके आपका फोन अपना फोन 5G कर देना, तो ये आपका फोन 4G तो आपका फोन 4G कर देना। तो अगर आपके फोन में ना ये सेटिंग डायरेक्टली आपका फोन यहाँ पर आपको जो नेटवर्क 5G में ले आएगा, तब आपको पता पड़ेगा हमारा फोन यहाँ पर 5G डिटेक्ट करता है ये एप्लीकेशन।